हेलो दोस्तों, आज मैं सासाराम जा रहा हूँ और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, मेरे दोनों दोस्त भी जा रहे हैं हमारे साथ। हमें कुछ अपने एक दोस्त हमारे साथ पढ़ते थे, उनके फादर की डेथ हो गई थी, डेथ हुए तो काफी दिन हो गई, लेकिन अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा यातना पेश कर देंगे, उनको अच्छा लगेगा उसको भी कि हाँ चलो मिलने तो आए हम लोग। और अभी ट्रेन अभी आई नहीं, आधा घंटा है अभी टाइम आना। मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, गरीबों की मच्छरदानी दिखाता हूँ। आइए मैं दिखा रहा हूँ आपको गरीबों की मच्छरदानी। देखिए गरीबों की मच्छरदानी देख लीजिए भाई। देखिए गरीब लोग हैं ना, ऐसे सो जाया करते हैं। देखिए ये कोई सो रहा है, देख रहे हैं ये बोरा है भाई, बच्चा सो रहा है, हंसने का नहीं। देखिए सबकी अपनी अपनी परेशानियां होती है, गरीब है, मच्छरदानी थी कुछ नहीं मिला तो यही ओढ़ लिया उसने। आदित्य क्या कहना चाहते हो बच्चे के बारे में? बच्चा ही है दादा, बड़ा बच्चा नहीं है, लड़की है, कुछ कहना चाह रहे हैं कुछ भी? मेरा फ्रेंड आदित्य कुछ बोलेगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि मैं कोई मजाक नहीं उड़ाता था, मुझे कुछ अलग दिखा, ठीक है ना। मैंने देखा कि देखो इंसान हर परिस्थिति में जीना जानता है, उसने उस परिस्थिति में जीना सीख लिया, उसने मच्छर बोरे कोई मच्छरदानी बना डाला। एक उसको दो दो काम हो रहे हैं, एक तो वो ठंड से बच रहा है और उसको मच्छर भी नहीं काट रहे होंगे। हाँ आदित्य क्या कुछ कहना चाह रहे हो तुम बच्चे के बारे में? मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, बस इतना कहना चाहूंगा कि हमने जो नहीं देखा है ना, उन बच्चों ने गरीबी को गरीब से देखा। मैं किसी का मजाक नहीं बना रहा था वीडियो बना के, बस मुझे कुछ यूनिक दिखा। मैंने कहा देखो कहते नहीं है कि कैसे कहते हैं, मैं तो दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। देखिए ये हुआ ना जननी, कुछ ना कुछ तो नया मिला हमको देखने के लिए, उसको आवश्यकता थी, उसने उस चीज को किस तरह से यूज किया बोरे को, आप देख सकते हैं यहाँ से बच्चे को। हेलो दोस्तों, अभी अब हम लोग ट्रेन में हैं, लगभग 2:30 बजने जा रहा है, शायद मेरी आवाज़ क्लियर आ भी नहीं होगी मोबाइल के अंदर, तो 2:30 बज रहा है और हमने अभी कॉफ़ी पिया था। मैं तो अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन मेरा दोस्त इस कॉफ़ी से परेशान हो गया है, तो वो अभी रिव्यू देगा कि कॉफ़ी कैसा लगा। 20 रुपए की कॉफ़ी थी, कॉफ़ी कम चाय ज़्यादा, और चाय भी ऐसी कि बस सुभान अल्लाह, देख लो आप ज़रा। हाँ भाई क्या बताना चाहते हो कॉफ़ी के बारे में, बोलना चाहते हो? प्लीज प्लीज एक बार अनुज एक बार, ये तुम बीस रुपए का जो कॉफी लेके आए हो, क्या था इस कॉफी में स्पेशल? तुम लोग बेइज्जती कर लो, लेकिन पैसा लेंगे तुम लोग, टेंशन ना लो। ठीक है, लेकिन पहले इसका रिव्यू तो दे दो। ठीक है कॉफी तो है ही है, लेकिन कॉफी के साथ टेक्सचर देखिए किस चीज का मिला है। ये कॉफी का चूरा चल रहा है हम लोग का, चूरे में मिक्स है मिक्सचर। हमारा आदित्य भी कॉफी पी चुका अपने से, अभी मेरा दोस्त अनुज से रह गया। अनुज कुछ तो बोलो कॉफी के बारे में। IRCTC के नाम पे धब्बा ये कॉफी, 20 रुपए की कॉफी मिली थी, सोचा था कुछ चलो अच्छा ही होगा कुछ ना कुछ, तो उसमें कुछ भी मतलब मैं कह रहा हूँ सिर्फ इलायची के स्वाद के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं। और अभी सफर हम लोग का अभी लगभग में 2.5 घंटे का करीब का और रह गया हुआ है, लगभग 5 बजे करीब में पहुंच जाएंगे हम लोग अपने जगह पे जहाँ हमें जाना है। इसलिए मैं अपनी वीडियो को अभी यहीं पे क्लोज करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये रहा मेरे पीछे जंक्शन सासाराम, और ये हमारे चूतिया दोस्त अनुज, क्या कहना चाह रहा अनुज? वेलकम बैक टू हमारा शहर। कौन सा शहर बे? तो दोस्तों फाइनली मैं अपने दोस्त के घर पे आ चुका हूँ और मैं बिस्तर पे हूँ, थोड़ा सुबह के 5 बज चुके हैं लगभग लगभग, मैं अब थोड़ा सा आराम किया जाएगा, फिर यहाँ से निकला जाएगा और जहाँ हमें जाना है एक्चुअल में वहाँ जाया जाएगा। ये मेरे साथी है अमन, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ मैं, और ये जो दो हमारे साथ आंडू पांडू आए हुए थे वो ऊपर सो रहे हैं, देखिए इधर क्लास है इसको क्लास कहते हैं। आगे इन्होंने मतलब इस तरह से ऐसा लग रहा था क्या कि है ना कहीं पे लूटा माटी चल रही हो, थोड़ा से बिस्तर पकड़ लिया इन्होंने, नहीं चलो कोई नहीं भाई, इतना चेहरा काला, क्या कह रहा है अनुज? प्लस चलाएगा अपना? ना ना मेरे को प्लस मत देखा, अरे ज्यादा गोरे लग रहे हैं। सही तो है, अरे नहीं मांग डिमांड बढ़ेगा, काले ही ठीक है।
लड़ू इधर से भी जला रहा है, इधर से भी जला दिया, वो कह रहा है। तो दोस्तों यहीं पे मैं इस वीडियो क्लोज कर रहा हूँ, और आप इस व्लॉग को जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग नहीं बोलेंगे आज हम। ये मेरा पहला व्लॉग, नहीं पहला तो व्लॉग नहीं है, और भी मैंने बनाए हैं, लेकिन अभी तक मैंने पोस्ट किया नहीं है। मैं उन सबको ही पोस्ट करूंगा धीमे धीमे। तो आप लोग का साथ चाहिए थोड़ा सा, मैंने शुरू किया है किसी चीज़ को, तो थोड़ा सपोर्ट आप लोग का ही होना चाहिए। बाकी मेरे दोस्त यार तो सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से फ्लैश ही चला रहा है, इधर से ही चला रहा है। अरे गांडू सोया उधर इसके रिपोर्टेशन में।